नहीं, ये पॉइंट मैं कार्यवाही के लिए नोट कर रहा हूँ, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। में जैसे जहाँ पे सिग्नल सिस्टम लगाया गया है उसमें से सारे चालू नहीं हुए, तो हो सकता है कि जो आप इंस्टेंस बता रहे हैं वो वैसे मामले हो जहाँ चालू नहीं। ऐसा है कि जो 30 पॉइंट्स हैं पटना में जैसे जहाँ पे सिग्नल सिस्टम लगाया गया है उसमें से सारे चालू नहीं हुए, तो हो सकता है कि जो आप इंस्टेंस बता रहे हैं वो वैसे मामले हो जहाँ चालू नहीं हुए। तो वैसी परिस्थिति में तब तक फाइन नहीं होगा जब तक कि वो पूरी तरह से उस बिंदु पर पूरी तरह से वो चालू अवस्था में नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना हुआ है, स्टॉप लाइन नहीं बना हुआ है, तब तक वहाँ उस बिंदु पर हम फाइन की नहीं। ये पॉइंट मैं कार्रवाई के लिए नोट कर रहा हूँ, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। एकदम भेजिए, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक तरफ अवगत कराते हैं पदाधिकारियों को, दूसरी तरफ पब्लिक को भी अवेयर करने का काम करते हैं यदि इस तरह की प्रॉब्लम आप उठाएंगे तो, और फिर हमें आप प्रेरित करते हैं कि इस दिशा में आप आगे काम कीजिए। तो इसलिए ये तीनों जो हैं आस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप इस तरह की समस्याओं के साथ आइए हमारे पास, इसी के लिए हम आपके सामने आए हैं, आपसे कुछ सीखने आए हैं। आंकड़ा इनको रविशंकर से मिलवा दीजिए। यस, सामने ये हमारा ये एस्पेक्ट नहीं है। आप यदि यातायात से सीमित रखें तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। 4200 कर्मियों का अतिरिक्त बल पूरे राज्य में उपलब्ध हो पाएगा। इन पदाधिकारियों एवं कर्मियों की गुणवत्ता और उसकी प्रभावोत्पादकता, जिसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, में वृद्धि के लिए एक पॉलिसी लाई गई है। यातायात बल का एज प्रोफाइल यंग हो, इसके लिए आरक्षी या सिपाही की जो आयु सीमा है वो अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। उसी प्रकार अवर निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारियों की अधिकतम आयु भी 40 वर्ष तय की गई है। प्रोन्नति से आने वाले जो अन्य पदाधिकारी हैं जैसे हवलदार या ASI, उनकी अधिकतम आयु 55 साल और पुलिस निरीक्षक की आयु 50 वर्ष तय की गई है। वहीं यातायात बल में कर्मियों या पदाधिकारियों का कार्यकाल भी निर्धारित किया गया है जो न्यूनतम 3 वर्षों का होगा, और इस अवधि के पहले जो चुने हुए एवं प्रशिक्षित कर्मी होंगे उनका अन्यत्र पदस्थापन पुलिस अधीक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार एक जिले में पदस्थापना के दौरान वे अधिकतम 3 वर्षों के लिए यातायात ड्यूटी हेतु संलग्न किए जाएंगे, और उस दौरान भी उनके दायित्व या कर्तव्य स्थल में फेरबदल किया जा सकेगा ताकि किसी प्रकार की गलत हित साधना न हो सके। एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण है जो बताना चाहता हूँ कि यातायात के बल ये जो स्वीकृत हैं और उसमें इंडक्शन के जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें कम से कम 1/3 महिला का स्ट्रेंथ होना आवश्यक कर दिया गया है, जो कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप भी है। यातायात हेतु चुने गए उक्त बल को एक पखवारे की अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था ITTR, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहते हैं, औरंगाबाद में परिवहन विभाग की सहायता से की गई है, और अब तक इन 12 जिलों के करीब 500 कर्मी और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जो अन्य कर्मी और पदाधिकारी हैं उनको भी इस वर्ष के अंत तक प्रशिक्षित किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उसी प्रकार इन 12 जिलों में 15 नौजवान पुलिस उपाधीक्षकों की भी पदस्थापना की गई है, और इन्हें बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण के उपरांत हैदराबाद में भी परिचयात्मक दौरे के लिए भेजा गया था ताकि वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था वो समझ सकें और जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको यहाँ लागू करने में मदद कर सकें। ये जो स्वीकृत बल हैं उनका करीब करीब 70% नियमित DAP से भरा जाना है,
जिस बाबत डायरेक्शन सभी पुलिस अधीक्षकों को दे दिया गया है, और जो बाकी 30% की रिक्ति है वो उनको भी हम लोग नौजवान गृह रक्षकों से भरे जाने की कवायद चलाएंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही, यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।